दोस्तों ये किशनगढ़ रेलवे स्टेशन है। ये बाकी रेलवे स्टेशन से बिल्कुल अलग है क्योंकि आसपास में दुकान वुकान होटल वोटल रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं है। सिटी थोड़ा दूर है, कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है। तो बाहर निकलने से आप लोग को पहली बार आ रहे हो तो सरप्राइज नहीं होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म 1 की तरफ निकलना है आपको, उसके बाद आगे में ऑटोज है, इधर पार्किंग है, बाद बाकी कुछ नहीं है। आगे में है ऑटोज, फिर उधर से आपको सीधी लेके जाएंगे। उसे छोटा सा है, उधर देखो एंट्रेंस लिखा हुआ है, क्यूट सा यही है थोड़ा सा। ये अपर क्लास वेटिंग हॉल है, जस्ट छोटा सा एक बोर्ड, इंडियन रेलवे सब साइड ट्रेन्स डाउन साइड ट्रेन्स। वो फीमेल टॉयलेट है, मेल टॉयलेट है, पानी नहीं आता है उधर, मेल टॉयलेट में देखा। और एक ये अजीबोगरीब चेयर है, इधर मेरी बच्ची है, और इधर पता नहीं सोने के लिए क्या टेबल है और उधर एक ड्रेसिंग टेबल भी ऐसी सा है, गजब है। ट्रेन जा रहा है, देखो ट्रेन भी जा रहा है। ना 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 ना, ओहो देखो ट्रेन जा रहा है। दोस्तों ये रहा मार्बल डंपिंग यार्ड किशनगढ़ में। ये मेरा सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम मेरा एक कलीग के साथ आया था और सेकेंड टाइम इस बार मैं अपना फैमिली को लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सनग्लास ज़रूर लेके आने का, विदाउट सनग्लास थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा देर तक रुकने के लिए। मोबाइल टॉयलेट रख दिया, अभी उधर शूट चल रहा है, इंस्टाग्राम शूट, क्या क्या शूटिंग है, पहले ये सब नहीं था। इस लोकेशन पे मेरा पिछले ब्लॉग्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहीं से क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप लोग जयपुर अजमेर और पुष्कर आ रहे हो तो इधर एक बार ज़रूर आके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगेगा।